अगर आप लीची प्रेमी हैं, लीची लवर्स हैं, लीची खाने के शौकीन हैं, तो यह खबर आपको जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत, आप देख रहे हैं डीएन सिटी लाइव न्यूज। बगीचा है जहां देख सकते हैं बहुत से किसान भाई है यहां पे, और देख सकते हैं अभी लीची टूट रहा है यहां पे, यहां पे लीची भी काट रहे हैं देख सकते हैं, और बहुत सारी महिला यहां पे काम कर रही है। देखिएगा, नजर घुमाइएगा, देख सकते हैं लीची का खेती आपके चारों ओर आपको, और जानते हैं कि आपका लीची यहां से कहां तक जाता है। सुनना पहले जानना चाहते हैं, जहांगीर नाम है। कब से कर रहे हैं लीची का खेती आप? बागवानी 5 साल से कर रहे हैं। तो आपका कौन कौन लीची आप नस्ल यहाँ पे कर रहे हैं? वहाँ पे यहाँ शाही चाइना होता है। हाँ, शाही है चाइना। शाही है चाइना। अच्छा, आपका लीची यहाँ से कहाँ कहाँ तक जाता है? आपका लीची यहाँ गया, यहाँ से बाहर जाता है, बिहार से जाता है, नवादा जाता है। अच्छा, बिहार के विभिन्न हिस्सों में आपका यहाँ से जाता है लीची। लीची का आपका कैसा रहा आपका? लीची का वो मौसम की वजह से वो आधा गाछ में वो पूरा चित्ती मार दिया, लीची पूरा जल गया। वो आप देख सकते हैं वो क्रेट में है लीची, वो पूरा खराब हो गया लीची। अच्छा, मौसम में ज्यादा तापमान है, बहुत गर्मी की वजह से लीची बहुत नुकसान हुआ, नुकसान हो रहा है। तो मौसम सही रहता, बारिश वरिश होता तो अच्छा रहता, लेकिन मौसम ठीक नहीं होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आया, लीची में खराबी आ गया। उधर आप देख सकते हैं लीची कितना नुकसान हुआ, देख सकते हैं लीची में फल कहाँ पे आप, और उधर अपने उधर मेरे तरफ लक्ष्मीनिया बाजार के तरफ उधर भी करते हैं, और ये हुसैनी चकधारा की तरफ इधर ये वाला बगान। क्या है विशेषता आपका लीची का? कौन कौन नस्ल का लीची लगा रहे हैं? यहाँ पे शाही लीची होता है, और ये करेलिया लीची, और इसी को बिदाना लीची, ये चाइना लीची भी बोलते हैं, इसको चाइना लीची भी बोलते हैं, और शाही लीची और चाइना लीची। यहाँ से कितना दूर आप खेत लिए यहाँ से? ये बगीचा कितना दूर तक? ये 14 बीघा का प्लॉट है। ये फल एग्रीमेंट होता है? हाँ, 2 साल का ये फल लिए है। दो साल का फल लिए। इस बार तो आपको घाटा ही लग रहा है? उम्मीद तो ऐसा ही लग रहा है। पेड़ है यहाँ पे, इसमें कब से आप मतलब कि यहाँ पे इसमें आपको खाद देना पड़ता होगा? बहुत ये नवम्बर से हम लोग इसमें मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। नवम्बर में एक धुलाई करते हैं, फिर दिसंबर में करते हैं, उसे जनवरी में फिर करते हैं, जब लीची का छोटा छोटा दाना आने लगता है तो ऐसा फिर सप्ताह वो कंटिन्यू रहता है धुलाई करना इसका। ताकि और क्या क्या प्रक्रिया है इसमें? और क्या प्रक्रिया, वो स्प्रेयर होना हमेशा, और बारिश नहीं हुआ तो पानी देना उसमें। बहुत मेहनत है? मेहनत बहुत है। कितने दिनों में तैयार होता है लीची फल? फल इसमें मेहनत के हिसाब से तो 3-4 महीना करते हैं मेहनत, इसमें फल दो महीना में फल तैयार हो जाता है। अच्छा, 2 महीना तैयार हो जाता है। कैसा भी मार्केट में लीची चल रहा है? मार्केट में 70-80 तक लीची जाता है। बिहार के विभिन्न हिस्सों में आपके यहाँ से जाता है लीची? हाँ, गया जाता है, नवादा जाता है, बख्तियारपुर, नवादा, गया, इधर सब जाता है। बारिश नहीं हो पा रहा है, ये ज्यादा गर्मी की वजह से ऐसा नुकसान हो रहा है। सुन, नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद सादिर हुआ नाम। तो बारिश की वजह से कुछ मिठास आया है? हाँ, मिठास आया बारिश की वजह से, कुछ मिठास आया है, कुछ साइज भी बना, अच्छा बना है। हाँ, कुछ कलर भी आया। इससे पहले खाए थे लीची तो उसका उसमें वो खट्टा लगा, खट्टा भी था, खट्टा लगा, अभी अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं मौजूद हूँ मैं लीची के बगीचा में, देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ भी इधर कैमरा घुमाइए चारों तरफ आपको लीची का बगान ही मिलेगा, दूर दूर तक आपको लीची का बगान ही मिलेगा, बागवानी मिलेगा, देख सकते हैं। और लीची का देख सकते हैं फल कितना अच्छा हुआ है, और कुछ कुछ लीची में प्रॉब्लम भी आई थी, लीची कुछ जल भी गया था, देख सकते हैं गर्मी की वजह से पानी बारिश नहीं हो रही थी, अब बारिश हुई तो कुछ राहत हुआ है। तो ये जानते हैं यहाँ के किसान हैं, जो यहाँ किसान भाई है उनसे जानते हैं, जो यहाँ पर बगीचा का देखभाल करते हैं, और यहाँ पर जो इनका मालिक है खेत के, उन्हीं से जानते हैं कि कैसा रहा ऐसा लीची का फसल आपका? की बार बहुत स्थिति बहुत खराब था, गर्मी के मौसम में एकदम ज़्यादा बहुत दिक्कत हो गया, खराब हो गया लीची, बहुत खराब हो गया, और कुछ चल रहा अच्छा। आप कब से कर रहे हैं यहाँ पे बगीचा? एवरी साल से लिया। अच्छा, यहाँ का लीची बहुत फेमस है, आपका लीची यहाँ से दूर दूर जाता है? बहुत बहुत गया जाता है। अच्छा, मिठास आया लीची में? मिठास हुआ, बारिश कुछ हुआ ना, अभी मिठास हुआ पूरा। पहले साइज कुछ छोटा था बारिश होने के कारण, आज कुछ मार्केट में 70-60
ऐसे जो रेट अभी चल रहा बस जो हिसाब से अपना जा रहा है। दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पे, यहाँ से ले भी जाते हैं आपके यहाँ से? दूर दूर से पैसा आता है, मानसी खगड़िया ये वहाँ से आता है ना, वहाँ से ले जाता है। लगभग कितना यहाँ पे बगी मतलब के पेड़ लिए हुए यहाँ पे आप लीची का बगान लिए? 5 बीघा मतलब 20 बीघा टुकड़ा है, उसमें 450 पेड़ है। अच्छा मुनाफा होता है कुछ नहीं इसमें? अच्छी मान लीजिए, देखिए मुनाफा अभी नहीं हुआ, मुनाफा अभी तो सीजन के बाद है ना, सीजन के बाद उसमें कब क्या उसको पूरा बगीचा को पूरा कोड़ते हैं उसमें मट्टी से, मट्टी कोड़ते हैं, जुताई करते हैं, पानी पटाते हैं, पूरा मंजर ढलाई कराते हैं, बहुत प्रक्रिया, बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत। आप जितने दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? आइए इनका लीची के साथ लीची खा के देखिए, तरह लीची का फल खाएं, कैसा लगा आपको लीची का फल? तो अगले 2-3 दिन में, तीन दिन पहले बारिश हुआ था तो आज थोड़ा सा मीठा है, उससे पहले बहुत कड़वा था। कुछ जला जला सा लीची था ना आप? हाँ आप दिखाइए, पूरा जला है, इधर दिखाइए, पूरा जला हुआ है। बारिश जब तक नहीं हुआ था तब तक क्या स्थिति था लीची का? बहुत लीची यहाँ पे बर्बाद हुआ है, बहुत बर्बाद हो गया लीची, आप देख सकते हैं गर्मी की वजह से बहुत लीची बर्बाद हुआ है। और यहाँ पे जो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो यहाँ का मालिक है जो खेत को देखते हैं, उन्होंने बताया इस बार गर्मी की वजह से लीची बहुत बर्बाद हुआ है और बारिश होने की वजह से कुछ लीची अच्छा भी हुआ है। और क्या संदेश देना चाहेंगे कि प्रत्येक वर्ष कैसे लीची लगाए और क्या करना चाहिए जिससे लीची अच्छा फल हो? यही कहेंगे कि अच्छा मेहनत करेंगे, अच्छा ये करेंगे तो अच्छा ये फल होगा, जितना मेहनत करेंगे उतना खाद देना होगा, खाद देंगे तो भी देंगे, पानी करेंगे, पानी देंगे, जुताई करेंगे, हर चीज जितना दवाई वाई इसका पड़ता सब दवाई देना पड़ता। हाँ लोकल लोग जो है वो तो से लेते ही है, काफी जो है रिटेलर आदमी भी है वो सब भी लीची और पटना गया हो गया सब जगह से इनका लीची जो है ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, हमेशा इनका जो हर साल ही इनका ट्रांसपोर्ट होते रहता है और काफी फेमस भी है इनका लीची और हम लोग भी बहुत बढ़िया बेहतरीन लगता है, हम लोग खाते भी है, मेरे घर परिवार की प्रत्येक वर्ष हम लोग खाते हैं, ले जाते हैं, खाते हैं, हर साल हम लोग ले जाते हैं, काफी बेहतरीन लीची मिलता है। देखिए लीची भी कितना बढ़िया बारिश जो ज्यादा नहीं होने के कारण कीड़ा भी नहीं, और ज्यादा बारिश होता तो पिल्लू हो जाता है, ज्यादा बारिश होने के बाद कीड़ा हो जाने के बाद भी हम लोग भी 2-4 घंटा पानी में रख देना चाहिए। हाँ 2-4 घंटा आप पानी में रख दीजिए या फ्रिज में रख दीजिए 1-2 घंटा, उसके बाद ठंडा आ जाए उसके बाद खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि गर्मी का तापमान जो होता है लीची में एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके कारण से ज्यादा गर्मी लीची हीट हो जाता है, खाने के बाद जो आदमी के पेट में दस्त हो जाता है, ऐसे आप खाइए ठंडा होना। मेरा नाम सिंटू कुमार सोनी हुआ, ठीक है। अभी मैं मौजूद हूँ लीची के बगान में, बगीचा में, और देख सकते हैं यहाँ पे चारों का दृश्य दिखाई, यहाँ का चारों तरफ लीची दिखेगा, यहाँ पे लीची दिखेगा। इस देखभाल करते हैं लीची बगान का और यहाँ के ऑनर भी हैं, ठीक है, तो उनसे जानेंगे कि आपका लीची यहाँ से कहाँ तक जाता है और लीची में फसल कैसा रहा, लीची फल कैसा रहा? लीची का फसल थोड़ा कंडीशन इस बार खराब रहा, लीची हमारा गया, नवादा, झारखंड सभी जगह जाता है यहाँ का लीची, और लीची का इस बार थोड़ा बाढ़ मौसम के खातिर गंभीर हालत रहा, साथ स्प्रे किया, लीची का थोड़ा कंडीशन गड़बड़ रहा, बारिश से नहीं हुआ इसके लेके, अच्छा हुआ अभी थोड़ा और फूलेगा, एक और बारिश हो गया तो थोड़ा संभावना अच्छा होने का चांस रहेगा। जितना भी लीची प्रेमी है उन सब सब क्या कहना चाहेंगे? लीची प्रेमी तो यही कहेंगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हम लोग का वीडियो को, थोड़ा दिखाइए सभी समाज को क्या हाल है किसान का, लीची लेने वाला का, बहुत मेहनत लगता है, मेहनत इतना लगता है फिर भी लीची का दाम उतना नहीं जाता है, नहीं मिल पाता आपको। लीची का कंडीशन पूरा खराब इस बार रहा है, जल गया पूरा लीची, जल गया बारिश गर्मी के लिए, गर्मी भी 2 दिन ऐसा था कि आदमी का हाल बुरा था, पूरा आदमी बेहोश हो रहे थे लीची बनाने वाला भी, हाँ। मगर हम लोग का बात सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला है। आप लोग किसान लोग भाई का कोई बात नहीं, किसान लोग का कोई बात मान सुनने वाला नहीं है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी लोगों को या सरकार को, क्या संदेश देना चाहिए? सरकार को यही संदेश देना चाहिए, गरीब दुखिया का थोड़ा मदद करना चाहिए, और सब्सिडी देना चाहिए, कुछ फैसिलिटी देना चाहिए, आपको कुछ फैसिलिटी देना चाहिए किसान भाई लोग के लिए, कुछ फैसिलिटी देना चाहिए आप लोगों को, तो मुनाफा के साथ
बेसिक घाटा ही लग जाता है, मुनाफा शायद कभी मौसम सही रहा तो कमाई होता है, नहीं तो हर बार लॉस ही जाता है। अभी व्यापारी लोग इतना महंगा में गाछी बेचता है, क्या करेंगे, किसान लोग को खरीदना पड़ता है। बहुत तो किसान कर्जदार हो जाते हैं इसी वजह से, कर्जदार हो जाते हैं। अभी 5 लाख का कर्ज लेके गाछ लेते हैं, गाछी लेते हैं, घाटा लग जाता है तो फिर उनको बहुत सा आत्महत्या भी कर लेते हैं, ऐसा भी हम देखने को मिला होता है। क्या करेंगे, वैसा झेलना पड़ता है। अभी 5 लाख का गाछी लिया तो 2.5 लाख रुपए इसके दवाई के लिए डालना पड़ता है, 2.5 लाख दवाई का डालना पड़ता है, 2.5 लाख दवाई के लिए रखना पड़ता है। उसके बाद जितना भी यहाँ पे काम करते हैं आपके नीचे, जितने काम करने आते हैं सभी को उसको भी झेलना पड़ता है, उसको मेहनत देना पड़ता है। मतलब 5 लाख का गाछी लिए तो 5 लाख रखना भी पड़ेगा कमा इसको, इसमें मेहनत करने के लिए। किसान भाई को कोई नहीं सुनता, किसान भाई को अपना पैसा लगाना पड़ता है, कर्ज लेके आपको लगाना पड़ता है, कर्ज लेके कुछ भी लेके लगाना पड़ता है। नहीं लगाया तो 5 लाख लगाया और डूब जाएगा, लेकिन मार्केट में दाम नहीं मिल पाता, मार्केट में दाम नहीं मिल पाता है। अभी इंदर से कभी गया, नवादा, झारखंड, हर जगह भेजते हैं, कहीं पे 85 रुपए किलो बिकता है, ऐसा कंडीशन है, घाटा लग जाता पूरा, घाटा लग जाता है। कम से कम 100-150 लीची का रेट, मार्केट में तो 120-100 बिक रहा है, मार्केट में भी लीची, मार्केट में 100 बिक रहा है, तो अभी 70-80 लेगा पैकार, तो पैकार भी हम लोग से कमा लेता है। अच्छा। मगर व्यापारी नहीं कमा पाता है। के लिए आप कुछ संदेश कीजिए। एक साई होता है, एक चैना होता है, जिसको हमारे तरफ करेलिया बोलते हैं। आप दिखाइए लीची को, लीची का दौरा दिखाइए, देखिए क्या हाल है लीची का। देख सकते हैं इसमें लीची में गर्मी की वजह से क्या हुआ था, लीची में पूरा काला काला पन आ गया पूरा, देख सकते हैं आग, देखिए लीची में आग बरस रहा था, आग बरस रहा था, ऐसा कंडीशन था लीची का। देखिए पूरा लीची इंदर में जूम के, ऐसा लीची खाने से बीमारी पड़ जा रहे थे ना लोग। नहीं ऐसा लीची खाने से बीमारी से पेट खराब होता है, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, लीची प्रेमी है उनको लीची को पहले पानी में रख देना चाहिए, उसके बाद लीची को कम से कम 20 मिनट पानी में फुलाएं, फिर उसके बाद खाएं, क्योंकि अभी लीची में जितना धुलाई पड़ता, धुलाई नहीं करेंगे तो सभी लीची नीचे आ जाएगा, मेहनत भी बहुत है। आदमी कम से कम इसको 10 मिनट 15 मिनट पानी में फुला के फिर खाए इसको, और इसके लेके लीची अपने अपने गिरता है, इतना धुलाई करने के बाद भी फल नहीं अच्छा हो पाता है। हाँ, हमारा वीडियो बनाने के लिए थोड़ा हमारा भाई का वीडियो सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका इनका भी हौसला बढ़ाइए, किसान भाई का हौसला बढ़ाइए, ताकि लोग से दूर दराज से लोग आए और इनसे खरीदे, ताकि इनका इनको घाटा ना लगे, इनको सही दाम मिल सके इनको। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं इनका नंबर दे देंगे कमेंट बॉक्स में, आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे लीची आके संपर्क करके लीची ले सकते हैं इनसे आके। तो आप देख रहे थे डीएन सिटी लाइव न्यूज, मैं हूं निकेश सिन्हा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप फेसबुक देख रहे तो पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।